बाहुबली, आरआर या केजीएफ, सिनेमा की हिस्ट्री में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये इंडियन सिनेमा के वो अनमोल रत्न हैं जिसने सिनेमा का चेहरा ही बदल के रख दिया। जी हाँ, बॉलीवुड से लेके भोजपुरी, बंगाली सिनेमा, ये सारे सिनेमाज में आज जो मास कंटेंट बन रहे हैं उसके पीछे का जो इंस्पिरेशन है वो यही सारी फिल्में हैं। एंड इसमें कन्नड़ा सिनेमा का भी एक नाम आप जोड़ लें तो बढ़िया होगा, वो है कांतारा। गाइज, ये कुछ सालों में ऐसी फिल्में आई है जिसकी वजह से लोग हिम्मत करने लग गए मास सिनेमा बनाने का। इससे पहले चाहे भोजपुरी हो या बंगाली सिनेमा, इसका अस्त्र उठाकर आप देख लो, आपको अगर हंसी नहीं आया तो कहना। अभी हाल ही में खिसाड़ी की आई फिल्म संघर्ष 2, जिसमें आपको एक मास सिनेमा की तरफ फील देगा। वहीं बंगाली स्टार जीत की एक नई फिल्म आ रही है चंगेज, जिसका हिंदी में ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज हुआ है। गाइज, ये बंगाली का एकमात्र ऐसा सिनेमा है जो हिंदी डब के साथ सीधा थिएटर में रिलीज हो रहा है। जी हां, 21 अप्रैल को ये सिनेमा घरों में लग जाएगी। इसके ट्रेलर को देख के ऐसा मालूम चल रहा है कि केजीएफ 3 की जो शूटिंग है किसी अनजान डायरेक्टर ने कर दिया है। अगर आप इसका ट्रेलर देखते हो तो आपको कब्जा की कुछ न कुछ बातें हरकतें दिखाई पड़ने लगेगी। ये केजीएफ के बाद हर कोई अपने आप को रॉकी भाई समझने लगा। लेकिन गाइज, रॉकी भाई तो रॉकी भाई है, हर कोई अगर रॉकी भाई बन जाएगा तो फिर कहना ही क्या। लेकिन गाइज, ये जो जीत हमारे हैं, इनके कारनामे अगर प्रीवियस फिल्म में आप देख लो तो कुछ कम नहीं है। खैर, फिल्म को सिंपैथी पूरा मिलेगा, क्योंकि जहां बॉलीवुड 100 करोड़, 500 करोड़ की फिल्में बना रही है, वहीं ये फिल्म का बजट मात्र 10 करोड़ है। तो गाइज, अगर आपको इस बजट में सस्ता रॉकी भाई मिल रहा है तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। गाइज, अब देखिए, बजट के साथ में अगर आप स्टोरी भी ढूंढ रहे होगे तो स्टोरी के नाम पर आपको मिल जाएगा पुलिस वर्सेस क्रिमिनल के बीच की स्टोरी है, जिसमें जीत बाबू जो है वो रॉकी भैया बनके टोपी पहना रहे हैं पुलिस वाले को। एंड गाइज, चंगेज की एक और खासियत है कि लोग जिस भाई से डरते हैं इन्होंने उसी भाई से पंगा ले लिया है। मतलब इस ईद पर जो भाईजान आ रहे थे ईद मनाने, साथ में चंगेज भी अपना टिकट बुक कर लिए हैं, तो सस्ते रॉकी भाई ने सीधा ले लिया है भाई से पंगा। और भाई से पंगा महंगा पड़ेगा सस्ता पड़ेगा वो तो 21 अप्रैल की ओपनिंग ही बताइए भाई लोग। ऐसे सलमान खान की फैन फॉलोइंग इंडिया में बहुत ज्यादा है। हालांकि किसी का भाई किसी की जान का उतना हाइक नहीं है मार्केट में, लेकिन सलमान खान कब पसा पलट जाए कोई नहीं जानता भाई लोग। फिर भी चंगेज की पूरी टीम को दाद देना पड़ेगा कि उन्होंने हिम्मत किया है सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के अगेंस्ट खड़ा होने का। तो गाइज, आप क्या कहना चाहते हो, क्या चंगेज भाई से ऊपर निकल जाएंगे या फिर भाई इनको दबाकर आगे निकल जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।